फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd मंडे, 53rd मंडे इन ए लीप ईयर और सेकंड इन नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर 53rd मंडे। ठीक है, एक साल में कितने मंडे श्योर है, सर्टन है कि आएंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं? अगर आपका नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज, राइट, 365 डेज, कितने वीक्स कंप्लीट है? 52 वीक्स, इसका मतलब 52 मंडे तो सर्टन है कि आएंगे, 52 मंडे सर्टन है। और 53 मंडे, ठीक है, देयर विल बी 53rd मंडे, इसके चांसेस क्या है? अब 52 वीक्स कंप्लीट का मतलब आप 364 डेज में कंप्लीट वीक्स, ठीक है, और बाकी कितने दिन बचे? बैलेंस डे 1 डे। अब ये 1 डे मंडे हो या ना हो इसके चांसेस के बारे में, जब एक दिन मंडे है या नहीं तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटकम्स देखेंगे, वो एक दिन क्या हो सकता है, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी मंडे, इट कैन बी ट्यूजडे, इट कैन बी वेडनेसडे, इट कैन बी थर्सडे, इट कैन बी फ्राइडे, इट कैन बी सैटरडे, इट कैन बी संडे, एनी एनी डे, राइट। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं? 7। इसके फेवरेबल कितनी है इसमें? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 53rd मंडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd मंडे इन नॉन लीप ईयर, दिस इज 1.7। क्लियर? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd मंडे इन ए लीप ईयर, इन ए लीप ईयर, लीप ईयर में भी आपके 52 वीक्स कंप्लीट वीक्स आएंगे, ठीक हो गया। अब डेज बैलेंस कितने बच जाएंगे? बैलेंस डेज विल बी 2 डेज बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 दिन कैसे हो सकते हैं? अगर पहला मंडे आ गया तो अगला क्या आएगा? ट्यूजडे। ये तो हो नहीं सकता कि मंडे के बाद वेडनेसडे आ गया, मंडे ट्यूजडे, इधर ट्यूजडे वेडनेसडे और वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे और संडे, राइट। ये ऑप्शन, कितनी ऑप्शन है? कितने ऑप्शन हैं? 7।